मैट लिपस्टिक अच्छी तरह से कैसे लगाए जिसकी वजह से आपके लिप्स बिल्कुल केकी भी नहीं लगेंगे और बहुत टाइम तक वैसे के वैसे रहेंगे, क्योंकि मैट लिपस्टिक लगाने तो बहुत लोगों को पसंद है लेकिन कुछ समय बाद वो बहुत केकी हो जाती है और बिल्कुल फिनिशिंग नहीं होती। सो आज मैं उसके प्रॉपर तरीके बताऊंगी कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है जब आप मैट लिपस्टिक लगाते हो। सो लेट्स गो। तो सबसे पहले आपको एक गीला टूथब्रश लेना है और उससे सिंपली आपके लिप्स को स्क्रब करते हुए जाना है। इसकी वजह से आपके लिप्स की डेड स्किन भी निकल जाएगी और आपके लिप्स बहुत स्मूथ लगेंगे और आपकी मैट लिपस्टिक बहुत ज़्यादा केकी भी नहीं लगेगी। ये आपको 2-3 मिनट तक कंटिन्यू करते रहना है जब तक आपकी ड्राई स्किन निकल नहीं जाती। उसके बाद आपको सिर्फ ये वाइप अप कर देना है। इसके बाद आपको लिप बाम अप्लाई करना है ताकि आपके लिप्स अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाए। सो इसके बाद हमें फाउंडेशन या कंसीलर अप्लाई करना है, आपकी चॉइस है। सो अगर आपके लिप्स डार्क या पिगमेंटेड है तो वो नहीं दिखेंगे कंसीलर की वजह से और आपका लिपस्टिक का शेड भी बहुत अच्छे से उभर के आएगा और आपको बहुत ईजी होगा अपना लिप शेप अच्छे से ड्रॉ करने के लिए। के बाद हमें बॉर्डर पेंसिल से अपने लिप ड्रॉ करने चालू कर देने हैं। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि बस लिप बॉर्डर पेंसिल से अपने बॉर्डर ही ड्रॉ करते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें पूरा लिप्स फील करना है। अगर आप सिर्फ बॉर्डर ड्रॉ करोगे तो वो बहुत ज़्यादा अजीब दिखता है और आपके लिप्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखेंगे। आप चाहिए तो बॉर्डर पेंसिल अलग शेड की लेकर और लिपस्टिक का कलर अलग लेकर भी मिसमैच कर सकते हो, जैसे मैंने इस वीडियो में किया है। मैंने बॉर्डर पेंसिल पिंक कलर की ली है लेकिन मेरी लिपस्टिक का कलर है नूड शेड, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। तो जब भी आप लिक्विड मैट लिपस्टिक लगाओ तो हमेशा उसका एक्सेस निकाल लेना और तब भी अप्लाई करना, क्योंकि हमें हमारे होठों पे बिल्कुल थिन लेयर अप्लाई करनी है। अगर हम ज़्यादा मोटी लेयर अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा केकी दिखने लगेगी और हमारे लिपस्टिक पे क्रैक भी पड़ जाएंगे। सो हमेशा याद रखना, हमें हमारे लिक्विड मैट लिपस्टिक की थिन लेयर ही अप्लाई करनी है, बहुत ज़्यादा 2-3 कोट अप्लाई नहीं करना है। अब हमें हमारी अंदर की लिपस्टिक रिमूव कर देनी है, क्योंकि इसकी वजह से जब भी हम बात करते हैं तब अंदर की लिपस्टिक निकलना चालू कर देती है और इसकी वजह से बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। सो होठों के अंदर की तरफ लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई करने के बजाय अगर आप उसी शेड की स्टिक लिपस्टिक अप्लाई करें तो आपकी लिपस्टिक निकलेगी भी नहीं और वो लॉन्ग लास्टिंग बन जाएगी। सो हमारी लिपस्टिक तैयार है। सो अगर आप इस प्रोसेस से लिपस्टिक लगाते हो, पहले जितनी देर तक आपकी लिपस्टिक टिकती थी इस बार से आपकी लिपस्टिक ज़्यादा देर तक टिकने लगेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब भी करना।